हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 10 द मॉडर्न एज का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें कुछ राइटर्स जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं कर पाए थे, आज हम लोग उस पार्ट को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न पोएट्री, इट वाज अ काइंड ऑफ पोएट्री फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अबंडेंस ऑफ आउटपुट, देन रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशन, न्यू फॉर्म्स वेयर बींग यूज, लव ऑफ नेचर, सो नेचर वॉज बींग प्रेजेंट इन रियलिस्टिक मैनर, पिटी फॉर पुअर एंड सफरिंग, सो इट वॉज अ नोबल और राइटिंग और वट एवर बींग रिटन, इट वॉज रिटन टू पोर्ट्रे द कंडीशन एंड हाउ दे वर सफरिंग, इट वॉज नॉट मीन्स देर वॉज अ कोटेशन दैट इट इज नॉट देयर फॉल्ट बट इट इज सम हाउ द फॉल्ट ऑफ द सोसाइटी दैट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू डू सो दिस इल्यूजनमेंट, सो इट वॉज अ काइंड ऑफ इल्यूजन, एवरीबडी वॉज कन्फ्यूज्ड, लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन। तो एज साइंस एडवांस, तो जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आई, नई नई डेवलपमेंट्स आई, तो लोगों का जो है रिलीजन से बिलीफ उठ गया था। जैसे चार्ल्स डार्विन का एक जो कॉन्सेप्ट था कि इट इज मैन हु इज एट द सेंटर, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवर, सो दिस कॉन्सेप्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इट इज नॉट गॉड हु इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ बट इट इज बी ह्यूमन बींग्स, इट इज द साइंस दैट इज मतलब That is the reason of all the things happening around us. Metaphysical note का फिर से एक revival और उसको लोग use किए। Romantic strain was there, but it was limited to Georgian and Edwardian poetry. Influence of music and other fine arts. तो other fine arts का use जो है कहीं ना कहीं poetry और literature में देखने को मिला था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ एक दूसरे को influence कर रही थी। New technique का use हुआ, new poetic forms का use होने लगा। तो these were the things that happened. Rudyard Kipling के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। He was a miss poem poet of British Empire, जो कि British point of view से लिखते हैं, उनके soldiers point of view से लिखते हैं। Thomas Hardy और A.E. Houseman, they were the writers who wrote in a pessimistic mood, समाज के suffering, समाज की जो एक गम वाला हिस्सा होता है उस चीज पर उन्होंने focus करा था। कमिंग टू रॉबर्ट ब्रिज, रॉबर्ट ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा था, ये मतलब लव ऑफ ब्यूटी, नेचर, इन चीज़ों को बहुत ही इलाबोरेट करते हैं। म्यूजिकलिटी इनके पोएट्री में देखी जाती है। ही इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्ट पोएट। जॉन मैसफील्ड के बारे में पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्रिज के बाद ये भी पोएट लॉरियट बने थे 1960 में। किपलिंग से काफ़ी प्रभावित थे ये, इनका भी जो है फुल ऑफ एडवेंचर माना जाता है। लव ऑफ सी से ये मतलब He was a kind of person who was very fascinated by the sea. Sea को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से present करा, इसलिए हम लोग इन्हें sea poet भी कहते हैं। So these were the things we already studied. So now coming to the sixth writer, Walter de la Mare. So he was a Georgian. He was a poet of Georgian period. So he was one of the high means. इनकी जो हायरार्की थी वो काफ़ी ऊपर थी, जॉर्जियन पोएट्री जो ग्रुप ऑफ पोएट्री है। तो ये बेसिकली माने जाते हैं कि ही इज एसेंशियली द पोएट ऑफ फेयरी लैंड। तो वो एक पोएट्री में एक ऐसा ड्रीम जो हम लोग एक सपनों की दुनिया देखते हैं, हमारा हमारे मन में बहुत सारे फैंटसीज होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं, उस चीज़ को ये अपनी पोएट्री में दिखाते हैं। मतलब ही यूजेस वर्ड्स इन सच ए मैनर दैट इट सीम्स लाइक यू आर रियली इन अ फेयरी लैंड, सो दैट इज वाट इज नोन टू। तो इनकी जो पोएट्री है वो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी प्रभावित करती है, बड़ों के लिए भी मतलब इनकी पोएट्री में काफ़ी कुछ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था गलीवर ट्रेवल्स, तो गलीवर ट्रेवल की जो बुक है उसमें क्या है कि इट इज इक्वली इंटरटेनिंग फॉर चाइल्ड एंड एज वेल एज एडल्ट। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, द लिसनर्स एंड द अदर पोएम्स 1912 में पब्लिश हुआ, पीकॉक पाई 1913, द फ्लीटिंग एंड अदर पोएम्स 1933, कलेक्टेड पोएम 1912 टू 1918, पोएम फॉर चिल्ड्रेन 1930, बेल्स एंड ग्रास 1941, द ट्रैवलर्स 1946। सो दीज आर सम ऑफ द वर्क्स रिटन बाय हिम दैट इज ऑफ रियली ग्रेट क्वालिटी। तो ये अपने समय के बहुत ही बेस्ट पोएट्री लिखा करते थे। थियोडोर मनियार्ड कहते हैं कि फॉर्मली एंड बाय प्रोफेशनली और बाय प्रोफेशन अ चाइल्ड्स पोएट, ही इज अ चाइल्ड्स पोएट। लेकिन बात ये है कि उनकी चाइल्डहुड पोएट्रीज तो है, लेकिन
दिस इज इक्वली इंटरटेनिंग फॉर एडल्ट्स आल्सो. सो दिस इज यू नो दिस इज समथिंग ऑफ अ यू कैन से इट इज ऑफ अ ग्रेट फीचर राइट. सो सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड इन्होंने लिखा, ये भी इनका काफी अच्छा है. ये इनकी जो लेटर वॉल्यूम्स आई, इनकी जो बाद की जो वॉल्यूम्स आई वो काफी सिंपल था. जो है चाइल्डहुड का जो जॉय को जो रिप्रेजेंट करता है वो इसमें दिखाया गया है कि द जॉय ऑफ चाइल्डहुड आर मैड बाय रिग्रेट्स केयर्स वरीज ऑफ मैनहुड. सो इट शोज दैट यू नो द चाइल्डहुड इज अ पीरियड व्हेन यू हैव टू एंजॉय द लाइफ, यू आर मीन टू एंजॉय द लाइफ, बट देर आर मेनी कॉजेज बिकॉज मैनहुड और देर आर मेनी इशूज दैट ऑब्स्ट्रक्ट पीपल फ्रॉम एंजॉयिंग दैट थिंग. सो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नो अदर पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द स्टेट्स ऑफ चाइल्डहुड विद सच विविडनेस एंड इनसाइट एज डी लामरे हैज डन. हिज चाइल्ड पोएट्री एग्जिबिट एन एस्टोनिशिंग वैरायटी, इट इंक्लूड्स नर्सरी राइम स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. तो इन ये जो है चाइल्डहुड पोएट्री के स्टेट को बहुत ही विविध तरीके से, बहुत ही विचित्र और अन्य अन्य तरीकों से ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं. इनकी वैरायटी जो है वो काफी ज्यादा है, काफी बिविल्डरिंग, काफी एक्साइटिंग और काफी अच्छा है. नर्सरी राइम्स और स्टोरीज इनकी पोएट्री में देखने को मिलता है. तो जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है, जो 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 साइकोलॉजिकल सोचने का जो इनका तरीका है वो काफी सटल है, वो काफी डीप है, काफी फाइन है. एंड द थिंग इज दैट कि इनकी जो बातें हैं दैट डायरेक्टली पेनिट्रेट्स टू द माइंड ऑफ द चाइल्डहुड और मींस रिगार्डिंग चाइल्डहुड. तो हम देखते हैं कि ये जो है पैशन, फ्रीडम, इमेजिनेशन, इन सभी चीजों का एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं. तो ही गिव हिज फैंसी फ्री रेन, अपने अपने जो है आइडियाज को उनको वो फ्री होने देते हैं और उसको मतलब he lets his ideas free and lets explore and he let he to explore the things. फिर हम देखेंगे कि इनकी पोएट्रीज में आपको फेयरी, घोस्ट, फैंटम, हॉन्ट ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इमेजिनेशन आपको हर जगह भरा पड़ा मिलेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पोएट W.H. डेविस, द स्पैन ऑफ हिज लाइफ इज 1879 टू 1940. तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सुपर ट्रैम्प 1908. तो ये उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क रहा जिसके लिए ये जाने जाते हैं. इसके बाद इन्होंने बहुत सारी जो पोएट्रीज लिखी दैट वाज लिरिकल इन नेचर. तो ही इज अ लिरिक पोएट. इनकी जो लिरिक्स थी वो शॉर्ट होती थी, छोटी होती थी और स्पॉन्टेनियस होती थी, मतलब एक फ्लो होता. देयर इज अ फ्लक्स, देयर इज अ फ्लो, देयर इज अ कंटिन्यूटी, देयर इज अ मींस यू विल गो विद द फ्लो ऑफ द पोएम. तो इस तरह की इनकी पोएट्री होती थी. इन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी थी. तो जब उनका एक पोएट्री ऑफ कलेक्शन है जिनका नाम है कलेक्टेड पोएट्रीज, तो इनकी लगभग 400 पोएट्रीज इसमें लिखी गई है. उसमें 270 मतलब 270 पोएट्रीज ऐसी है जो कि बस 3 स्टैंजा या उससे भी छोटी है. तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ शॉर्ट लिरिक्स ही राइट्स राइट. So his lyrics are characterized by a spontaneity and simplicity. A spontaneity, simplicity, shortness, these are some of the characteristic feature of his lyrical poems. Now coming to David, so what kind of poet he is? So he is a poet of nature and rural life. So he presents natural views, rural life, the people living in society, so actually from the countryside. So he will represent those things. So hum dekhte hain ki वो नेचर को अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इनोसेंट पीपल हैं, जो पीजेंट पीपल हैं, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो नेचर के लैप में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो वक्त बिताते हैं. अपनी पोएट्री में वो नेचुरल ब्यूटी को पूरे विविध पूरे मतलब विभिन्नताओं से दिखाएंगे. जो सनराइज है, काउज है, जो जो छोटी छोटी चीजें, स्क्वायरल है, बटरफ्लाइज है, कुकूज है और सीप्स है. तो एक कंट्री साइड का जो सीन होता है उसमें नेचर होता है और कुछ लोग होते हैं. उन लोगों की जिंदगी काफी सिंपल होती है. दे आर वेरी सिंपल पीपल. दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, who are very caring about each other. तो वो चीज दिखाता है कि how these innocent, simple people are having or leading their life
इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द शैडो ऑफ नेचर, तो इस चीज को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है इनके द्वारा. सो देयर इज अ नोट ऑफ टेंडर सिंपैथी इनकी पोएट्री में आपको देखने को मिलेगी. किन के लिए? एनिमल्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए. तो काफी मतलब सिंप्लिसिटी से, काफी अलर्टनेस से ये अपनी पोएट्री को लिखते हैं. सो दिस इज समथिंग वी गॉट टू नो अबाउट डब्ल्यू एच डेविस. नाउ कमिंग टू अनदर ग्रेट पोएट ऑफ दिस पीरियड, डब्ल्यू बी एट्स, विलियम बटलर एट्स. ही इज एन आयरिश मैन और ये उस समय की क्वीन से काफी क्लोज थे, उनके फेवरेट में से थे. ही वांटेड मेनी फेवर्स फ्रॉम हर बिकॉज एट द टाइम पैटर्न वाइज द सिस्टम. आपको पोएट्री लिखते हो आपको पैटर्न मिलता था. इफ यू आर एट ए गुड, इफ यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द किंग और द क्वीन, यू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द किंग और क्वीन. तो उस चीज को लेकर के ये हमेशा इन्फ्लुएंस करते थे और ये चाहते थे कि इन्हें अच्छा फेवर मिले. ऑल्दो इन्हें हमेशा आयरलैंड में रहना पड़ा और ये आयरलैंड से बाहर निकलना चाहते थे, एक आइलैंड पे ये रहते थे. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ स्टोरी. इनकी स्टोरी और भी है कि ये पहले एक महिला को लव करते हैं, इनका लव सक्सेसफुल नहीं होता है. देन ही फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ दैट गर्ल. तो जिस लड़की से प्यार करते हैं उनकी बेटी से फिर इनको प्यार हो जाता है. बट यू नो समटाइम थिंग्स आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ दैट यू गेट लव इन योर लाइफ. सो this also happens with him. So now come to some of the important factors about this. So of course he is one of the greatest poet and critic ke dwara ye kaha jata hai ki wo apne se matlab us samay ke sath one of the greatest poet mein se the. W.J.W. Beach kehte hain ki he is the finest of British poets of modern age. To modern age ke finest poet mein se ek hai. जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि द मॉडर्न राइटर एंड हिज वर्ल्ड, उसमें वो जिम उसमें जो है डब्ल्यू बी एट्स को एक मेजर पोएट के रूप में जो है उनको क्लेम करते हैं, उनको मानते हैं और उनको डन, जॉन डन, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ के कंपैरिजन में इनका तुलना की करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द क्रिटिक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द मॉडर्न एज. सो दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस सेंस, राइट. तो कमिंग टू द नेक्स्ट, सो फॉर वन थिंग इट्स इज वेरी ग्रेट बाय वर्चू ऑफ द बल्क एंड वैरायटी ऑफ हिज पोएम. तो उनकी पोएट्री में काफी बल्क है, काफी ज्यादा ये लिखते हैं, काफी वैरायटीज इनके पोएट्री में आपको देखने को मिलेगी. एंशियंट लीजेंड्स और बहुत सारा उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो उनका एंशियंट लीजेंड्स होगा, माइथोलॉजीज, फोकलोर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लव, कॉन्स्टेंटली मेक न्यू मिस ऑफ हिज ऑन. तो इनके मैंने बहुत सारे पोएट्रीज पढ़ी जैसे कि प्रोथेलमियम, इपिथेलमियम और बहुत सारे. तो इसमें एक चीज मैंने नोटिस करा कि ये आर्केइक वर्ड्स का यूज करते हैं, हमेशा ग्रीक मैथोलॉजी का यूज करेंगे, स्वान एंड लेडा, जुपिटर सैटर्न. तो ये जो इन जो चीजें इन चीजों का ये हमेशा जिक्र करते हैं अपने पोएट्री में. तो कहीं ना कहीं ये जो मिडाइवल एजेस था, जो माइथोलॉजीज थी, तो इन सभी को इन्होंने काफी डीपली स्टडी करा है और ये इस चीज को बहुत ही प्रॉपरली यूज करते हैं अपने पोएट्री में, अक्सर आपको देखने को मिलेगा. अब हम देखेंगे कि इनकी जो अर्ली पोएट्री थी दैट वाज वेरी रोमांटिक इन नेचर, जो कि समय के साथ रियलिस्टिक हुआ थीम में भी और ट्रीटमेंट में भी, बिकॉज रियलिज्म वाज द ट्रेंड ऑफ द टाइम. तो स्टार्टिंग इन्होंने रोमांटिसिज्म टाइप के राइटिंग से करा, लेकिन बाद में ये फिर क्या हुआ कि इनका जो नजरिया था वो क्या हुआ, रियलिस्टिक हुआ. तो जब ये रोमांटिसिज्म रोमांटिक टाइप के अर्ली टाइम में जब ये लिख रहे थे तो दैट टाइम ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम प्री रेफलाइट मोमेंट. तो उनका इन्फ्लुएंस इन पे पड़ा था. ये काफी स्केपिस्ट थे, चीजों को अवॉइड करते थे, जो है बर्ड पिक्चर को बहुत ही सेंसलेसली प्रेजेंट करते थे. मीन्स ही He used words in such a manner कि वो चीजें अपीयर होती थी, यस इट इज समथिंग रोमांटिक, इट इज समथिंग सेंसुअस. तो उन चीजों को वो ये दिखा पाते थे, प्रेजेंट कर पाते थे. सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड ही प्रेजेंटेड अ काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ केल्टिक ट्यूलाइट. तो ये चार चीजें आपको देखने को मिलेगी. लेटर स्टेज में जब ये रोमांटिक से रियलिस्टिक की तरफ मूव किए तो इनकी पोएट्री काफी स्टार्क है, नेकेड रियलिटी को शो करते हैं, ब्रूटैलिटी से भरी पड़ी है.
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसा हमने बोला कि ये प्री रेफ्लाइट ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था स्टार्टिंग में जब रोमांटिसिज्म लिख रहे थे, तो ये फ्रैंकली एस्केपिस्ट थे और फुल ऑफ सेंसुअस बर्ड्स पिक्चर का यूज करते थे, रिमोट फियरी वर्ल्ड का जो है एक दृश्य दिखाते थे, ड्रीमी एटमोस्फेयर वगैरह जो चीजें थी वो देखने को मिलती थी, इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ जो है वर्ल्ड ट्यू लाइट, वो चीज देखने को मिलता था, मतलब हर जगह पूरे मीन्स द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ कलर। इसीलिए ग्राहम हॉग कहते थे कि ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट रोमांटिक्स, तो जो ग्रेट रोमांटिक्स थे उसमें ये मतलब लास्ट थे ग्रेट रोमांटिक्स में। तो धीरे धीरे इनका जो है रोमांटिसिज्म से इनका मूड हटा, फिर ये जो है पूरी तरह से 19th सेंचुरी में का जो ट्रेंड था या के बाद जो 20th सेंचुरी का जो जो ट्रेंड था वो क्या था, रियलिस्टिक पोएट्री का था। तो इनकी पोएट्री अब क्या थी, पूरी तरह से स्टार्क थी, नेकेड रियलिज्म शो करते थे, मच ब्रूटल एंड फोर्सनेस वाज देयर, मैस्कुलिन विगर एंड फोर्स वाज देयर। तो इन ये भी समय के साथ अब बदलने लगे थे, देयर इज अ ग्रेटर एंड ग्रेटर यूज ऑफ अ स्पीच रिदम्स लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज, तो ये सारी चीजें थी। इट्स स्टार्टिंग में सिम्बोलिस्ट थे और धीरे धीरे वो बदलने लगे। तो ऐसा कहते हैं कि आर्थर साइमंस का कहना है, ही इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सिंबोलिज्म मूवमेंट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सिंबोलिज्म मूवमेंट के चीफ एक्सपोनेंट थे, जो उनको फैलाने वाले जो कह सकते हैं। द रोज पोयम सिंबोलिज्म के हिसाब से एक अच्छी पोयम है, वी शुड गो थ्रू दिस। तो ये कुछ उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो क्लिंथ ग्रुप जो है रिगार्ड करते हैं इनको कि ही इज अ वेरी ग्रेट मिथ मेकर, मिथोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उसको इमेजिनेशन के रूप में यूज करके अपने पास्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस को भी ये इम्पर्सनल में प्रेजेंट करते हैं, दैट सीम्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल। सो इनकी जो मिथ है वो भी यूनिवर्सल एक अप्रोच इनमें देखने को मिलता है। बहुत बार उनको जो उनपे जो है ऑब्सक्यूरिटी की उनकी जो चीजें हैं वो काफी क्लियर नहीं है, उनका एक चार्ज लगता है, एंड इट इज समथिंग ऑब्सक्यूरिटी एंड डिफिकल्टी जो है उनका जो थॉट है, उनका जो टेंसनेस ऑफ एक्सप्रेशन है, उस कारण से इनकी पोएट्रीज को कभी कभी समझने में काफी टफ होता है। जैसे कि इफ यू गो थ्रू द पोएट्रीज ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलर लगता है। गो थ्रू द पोएट्री ऑफ दिस टू पोएम्स पोएट्स, एक तो एडमंड स्पेंसर जो कि एलिजाबेथन पोएट्री एज के थे, और एक डब्ल्यू बी एट्स, तो देर आर समर मतलब अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी यू विल फाइंड, एंड दिस पोएट्रीज आर नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन टू गेट द जिस्ट और द क्रिस्प ऑफ द चैप्टर। सो दिस वॉज द थिंग। तो हम देखते हैं कि ये मीटर की यूज करने में ये काफी एक्सपेरिमेंटल है, ये फ्री वर्स वगैरह को छोड़ करके ये जो पुराने समय के जो मीटर्स थे, जो जो ट्रेडिशनल मीटर और स्टैंजास थे, उनका ये यूज करेंगे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कि काफी एक नया दौर दिया, एक नया काफी कुछ दिया सीखने को, तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम इन्हें शेक्सपियर, दांते और मिल्टन के बराबर तो रैंक नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स ही इज नॉट लेस इवन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पोएट, रॉबर्ट ब्रूक द सोल्जर्स पोएट। तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय एक ये ऐसे पोएट थे जिन्होंने पैट्रियोटिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा। इनकी जो ये लोगों को इंस्पायर करने के लिए, सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए काफी कुछ लिखा करते थे रॉबर्ट ब्रूक। तो ये एक सोल्जर पोएट थे रॉबर्ट ब्रूक। हम देखते हैं कि अपने सोनेट्स में ये जो है पोएट पैट्रियोटिक फर्वर को देता था, जैसा हमने बोला। तो उनका जो सोल्जर पोएम था स्पेशली, दिस इज रियली वेरी फेमस। तो 1914 में जब वार जब खत्म हुआ, वार जब स्टार्ट हुआ ना, तो उस समय इनका जो एंथुसियाज्म एक अलग लेवल पे था। बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन द वार ही गॉट किल्ड इन 1915। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रॉबर्ट ब्रूक लिखे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट, ही इज अ काइंड ऑफ पैट्रियोटिक, ही इज अ काइंड ऑफ वार पोएट, वो एक सोल्जर भी थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, टी एस एलियट, 1888 टू 1965। ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी वेल नोन पोएट, क्रिटिक, लिटररी आर्टिस्ट, व्हाट एवर यू से टू हिम, कुछ भी कम नहीं होगा। तो
वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ लेटर्स ऑफ मॉडर्नेस। तो बहुत ही वो बेल नोन बेल, जैसे इनकी तुलना हम कहीं ना कहीं मिल्टन से करना चाहेंगे, क्योंकि मिल्टन वॉज ऑल्सो वेरी वेल नोन वेल रेड, और ये भी काफी ज्यादा पढ़ते थे। एंड वन यूनिक थिंग यू विल गेस नो दैट ये दिन भर में मात्र 3 से 4 घंटा अपने लिटरेचर को टाइम देते थे। एंड इवन यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच फोकस्ड ही वाज जस्ट राइटिंग और स्टडिंग फॉर 3 to 4 hours एंड क्रिएटिंग सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटररी वर्क्स। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उनका लिटररी जो पीरियड था वो 45 years का एक लॉन्ग पीरियड तक उनका एक्सटेंडेड रहा। कोई पोएट्री जो है, कोई इंग्लिश पोएट 20th century का उनके जैसा ओरिजिनल, उनके जैसा ग्रेट नहीं हो पाया। उनकी उनका जो एक लिटरेरी ट्रेडिशन था, जो एक शेक्सपियर मिल्टन वॉर्ड्सवर्थ जो एक का जो एक ट्रेंड चला, तो ही वाज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन दैट सीरीज। अगर हम बात करें तो ही वाज अ काइंड ऑफ पोएट हु वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो ही वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग्स। सो ही वाज अ काइंड ऑफ ही ट्राई टू क्यूर द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ दैट लाइफ, राइट। अपने पोएट्री के जरिए ये दिखाते हैं कि जो सिटी लाइफ का जो जो है जो मतलब जो ह्यूमन सिटी में जो ह्यूमन लोग रह रहे हैं उनका जो किस तरह से एकदम बोर्डम में लाइफ गुजर रहा है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह गया है, मतलब इट इज ऑल अबाउट कैसे कितने एंग्जाइटीज है वरीज है। तो ही वॉज रियली कंसर्न अबाउट द सोसाइटी इज नॉट गोइंग इन अ राइट वे, सारी चीजें स्कैटर्ड हो गई है, बुरी तरह से चीजें बिगड़ चुकी है। तो वो उस चीज पे ही अटैक करते हैं एंड ट्राई टू एक्सपोज द थिंग्स सो दैट पीपल शुड बी अवेयर और लोग कुछ काम करें, मतलब पीपल शुड बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड ट्राई टू करेक्ट दिस, राइट। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट अपने एज के, ही इज ऑल्सो क्रिटिक ऑफ हिज एज, और हम देखते हैं कि ही ट्राइज टू क्योर द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ थ्रू पिटीलेस एक्सपोजर। तो वो एक्सपोज करते हैं चीजों को और वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब एक्सपोजर इज एसेंशियल ताकि लोगों को अवेयर हो कि क्या हो रही चीजें। तो उनकी पोएट्री में ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों का एक अच्छा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो पोएट्री में काफी सारे वेरिड इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे उनकी पोएट्री में इंग्लिश मेटाफिजिकल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस, फ्रेंच सिम्बोलिस्ट मोमेंट, पोएट्री ऑफ दांते, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्रामा में, द फिलोसफी ऑफ ईस्ट, हिंदू बौद्धिस्ट एंड अदर क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, थियोलॉजी, एंशियंट मिथ एंड लीजेंड्स। तो उन्होंने इन सभी चीजों से इंस्पायर होके, इन सभी चीजों से का इन्फ्लुएंसेस आपको उनकी पोएट्री स्पेशली द वेस्टलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो हिज पोएट्री इज अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द डेकाडेंट एंड एक्सहॉल्टेड डेड पोएट्री ऑफ हिज टाइम। तो उस समय की जो पोएट्री थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक अच्छा सा मतलब एक प्रेजेंट किया अपने आप को। तो ऑफ कोर्स उनकी जो लैंग्वेज की जो ओरिजिनलिटी है वो उन्होंने इसको मतलब वापस लाया, और इन्होंने एक मतलब उस समय की जो नेचर जो एक लैंग्वेज की जो क्वालिटीज थी उस पर भी इन्होंने वर्क करा, और लैंग्वेज को इन्होंने एक नया स्टेज दिया। इनका जो कम्युनिकेशन का टेक्निक है, जो एक्सप्रेशन पावर ऑफ पोएट्री है, दैट इज ऑफ रियली इज ग्रेट क्वालिटी। द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल रिदम्स एंड इमेजरी ड्रॉन फ्रॉम अर्बन लाइफ, यूज ऑफ मिथिकल मेथड, तो ये काफी मतलब एक यूनिक वे है कि ये कन्वर्सेशनल टोन में पोएट्री को लिखते हैं, मिथ्स का एक प्रॉपर यूज करते हैं। तो यू विल सी दैट हूएवर इज ग्रेट एंड लर्नेड राइटर दे विल ऑलवेज यूज दिस लिरिकल मिथिकल क्वालिटीज एंड मिथिकल थिंग्स, राइट। तो इलियट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी कॉम्प्लेक्स और वेरिड रहा, कोई भी राइटर इनके बराबरी नहीं कर सका। और अदर राइटर्स थे जैसे कि लुइस मैकनीज, सी डे लेविस, स्टीफन स्पेंडर, ऑडेन। तो ये कुछ ऐसे पोएट्रीज हैं जो जिन्होंने मतलब इस चीज को समझा और इनकी इन्फ्लुएंसेस से काफी कुछ सीखा और काफी कुछ इन्होंने एडॉप्ट करा। तो ही हैज गिवन इम्पेटस टू अ नंबर ऑफ पोएट्स टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू फॉर्म्स एंड इवॉल्व न्यू टेक्निक्स। तो बिकॉज ऑफ दिस पोएम में पोएट ही इंस्पायर्ड दैट यस यू कैन इवन एक्सप्लोर सम ऑफ द ग्रेट एक्सपोनेंट, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द पोएटिक फॉर्म एंड अदर थिंग्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पोएट डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो ऑर्डन ही वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश मैन हु गॉट सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट
after the beginning of Second World War and has since become a part of American literature as T.S. Eliot has been of England. तो टी एस एलियट जहां वो अमेरिका से इंग्लैंड की ओर शिफ्ट किए, तो डब्ल्यू एच ओडन ऑन द अदर हैंड ही शिफ्टेड फ्रॉम अमेरिका टू सॉरी इंग्लैंड टू अमेरिका, तो ये अमेरिका में सेटल हो गए थे। इनकी जो जो सेंस है जो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा हॉलोनेस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पोस्ट वार सिविलाइजेशन, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद चीजें कैसे स्कैटर्ड हो गई, कैसे चीजें बिखर गई, उस चीज को ये दिखाएंगे। तो ये कॉमन मैन को लाइफ को स्टडी करेंगे, सोशल प्रॉब्लम। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ना लोगों का चीजों से विश्वास उठ गया था, तो उस चीज को ये दिखाएंगे। तो ही स्टडीड द लाइफ ऑफ कॉमन मैन एंड सोशल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग हिम इन पोस्ट वर्ल्ड वार। तो पोस्ट वर्ल्ड वार में जो भी चीजें सोशल ऑर्डर जो बिखर गया था, जो एक वायलेंट एटमोसफेयर था, लोगों का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था पूरी तरह से, जो है मतलब चीजें जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गई थी, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपैथेटिक व्यू रखेंगे लोगों के प्रति। हम देखेंगे कि ऑर्डन जो है बाद में सिगमंड फ्राइड और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के जो है के इन्फ्लुएंस में आते हैं और वो ह्यूमन लाइफ को साइकोलॉजिकल अप्रोच से डील करने की कोशिश करते हैं, चेंज ऑफ हार्ट पे फोकस करते हैं, हृदय परिवर्तन। जैसे प्रेमचंद्र और बहुत सारी जो राइटर्स हैं इंडियन, उनमें आपको हृदय परिवर्तन की कहानियां देखने को मिलेगी। इवन इन इंडियन माइथोलॉजी स्टोरी एक विलेन होता है एंड समटाइम मतलब वो विलेन काफी जो है किसी को परेशान करता है, काफी तंग करता है। मतलब देखो विलेन दो तरह का होता है, एक जो हार्डकोर विलेन होता है वो कभी बदलता ही नहीं है, दूसरा विलेन होता है कि वो अ काइंड ऑफ उसके अंदर अंदर में जो है एक अच्छा वाला हार्ट है, मतलब ही इज रियली कंसर्न्ड अबाउट पीपल बट ही इज नॉट शोइंग दैट कंसर्न। लेकिन एक समय के बाद जब देखता है कि हीरो जब हार्डशिप से जी रहा है तो वो अपना जो है रुख जो है वो हीरो की तरफ कर लेता है, तो हृदय परिवर्तन की चीजें होती है, तो उस हृदय परिवर्तन के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया जाता है। तो इनका जो है जो सोसाइटी के लोग हैं उनके प्रति एक सिंपैथेटिक अप्रोच है और ये हमेशा फोकस करते हैं कि कैसे ह्यूमन का एक बेटर मतलब ह्यूमन लाइफ में एक बेटरमेंट आए, लोगों का लाइफ अच्छा हो, तो ही फोकस ऑन दैट। तो एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्सपेरिमेंटर हम लोग देखते हैं कि इनकी जो है काफी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, न्यू आइडियाज और सजेशंस को ये ऑलवेज वेलकम करते हैं। ये इलियट ऑज हॉपकिंस से काफी और फ्रेंच सिंबोलिज्म से ये काफी जो है इंस्पायर थे। इनके बारे में कुछ कोटेशन पढ़ते हैं क्या है। फ्रॉम इलियट केम द सिंबोलिज्म मेथड, द यूज ऑफ मॉडर्न इमेजरी एंड द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, फ्रॉम ओवेन द यूज ऑफ एसोनेंस इंटरनल राइम, from Hopkins, James Hopkins, a sprung rhythm, and from Eliot and Hopkins, the example of several condensation at whatever pains to the reader. तो Eliot से इन्होंने symbolism लिया, modern जो imagery और abstract expression है उसका use लिया, Owen से assonance और internal rhyme लिया, Hopkins से sprung rhythm। तो ये सारी चीजें मतलब दिखाता है कि ये कैसे किसे influence और उनसे किनसे इन्होंने क्या क्या चीजें ली। Coming to the last writer of the age, डायलन थॉमस, तो ये भी एक ग्रेट राइटर है, ये बेसिकल लिरिकल पोएट्रीज के लिए जाने जाते हैं। इनकी पोएट्री काफी ऑब्सक्योर है और जनरल रीडर के लिए ये मतलब समझ के बाहर की चीज है। तो ही इज नॉट दैट पॉपुलर बट ऑल्सो वी कैन कंसिडर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द ग्रेट राइटर ऑफ द एज। सो लेट्स होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।